लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम रियलाइज करें कितनी जानदार चीजें हैं, ये तमाम बुनियादी नोशन जो है बहुत पावरफुल टू I always do this. देखें आपने एक चीज जो कल या परसों मैंने कंप्लेक्स नंबर्स का देखी थी सेट ऑफ वीडियोस उस पे रियलाइज की हूँ मेरी पहले मैथमेटिशियंस को कैटेगराइज कैसे किया जाता इसे कहा जाता था कि ये ये बड़ा मैथमेटिशियन है तो ये निकल मैथमेटिशियन बटे लिखे का पता जो है वो चलता था कि कौन कितनी इक्वेशन सॉल्व कर रहा है ऐसे बताया था ना वो एक वो स्टूडेंट था डिफेरे का ठीक है दूसरा वो उसको मुकाबले में आता है डिफेरो को चैलेंज करता है क्या नाम था उसका टाटागला जो है टाटागला जो है वो डिफेरे को चैलेंज करता है यदि आओ जरा दो दो हाथ करते हैं ठीक है उसमें इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में ठीक है तो डिफेरे बदल जाता है तो डिफेरे जो है वो एक प्रॉब्लम कर देता है ठीक है क्यूबिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस इन सम सेंस इस बोस के टाटागला नहीं कर सकते क्या उसने नहीं किया देन यू नो डी फेरा तो गुजार गया फिर उसका स्टूडेंट जो दूसरा क्या नाम था उसका बंगाली आखिरी था बंगाली वो आपके टाटा एनीवे ठीक है सो यू नो स्टूडेंट का डुअल होता है उसका उस्ताद का नहीं उसके स्टूडेंट का डुअल होता है टाटागला के साथ ठीक है और फिर वही जो क्यूबिक इक्वेशन में मुकाबला होता है टाटागला तो बिल्कुल 11th आवर पे जो है रियलाइज करता है क्यूबिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व सो ही रीच टू द सेम थिंग वेयर यू नो ही फेरे का स्टूडेंट पहुंचता है एंड देन एंड व्हाट हैपेंस यू नो जी जाता है खाता है सीनियर पन किया जैसे इस भी था होता तो इस तरह कंपेयर करते हैं इसको कितनी इक्वेशन होती है अरबों में भी ऐसा होता Arab was the first who kind of had a very formal Khwarizmi ki mazay ki baat ye thi ki he started kind of using algebra to do business things out he was a kind of a first business mathematician like he started using algebra to do business stuff and wo basically there were different kind of equations मौका मिले तो आपको दिखा भी सकते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट बुक वो कैसे सॉल्व करते हैं सब ए बी सी रखते हैं वो अल्फ बे जीम रखा कर देते हैं अरब भी इसी तरह कैटेगराइज करते हैं गाय हासन हुम गिव द काइंड ऑफ फर्स्ट गाय हुम काइंड ऑफ सॉल्व सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ quadratic equations khayam was popular khayam jo hai wo is wajah se popular tha do cheezon ki wajah se popular tha ek was a brilliant poet hai theek hai there is a lot of his mind and he was a guy who knew how to solve cubic equation but he doesn't have an algebraic way but he know that there is a graphical way algebraic way nahi aata tha magar give me a cubic equation and I'll give you a solution that through graphical way theek hai aur pata hai cubic equation ko to guzarna hi guzarna hai you know axis j aap kuch keh rahe hain abhi se aap keh rahe hain ya sir aaj algebra arab thing bahut hi aap sun liye unhone arab ki baat bahut sare aise bhi arab the musliman the last लेकिन सर
Arab, non-Arab Persians, you know, they all were, this is a civilization, Middle East civilization. Medieval. Asian civilization, Asia dominated. Arab doesn't imply Muslim. That's an underlying thing that we assume. We shouldn't assume that. You know, समझ रहे हैं मैटर में बार बार आपको लगता है अरब इंप्लाइज मुसलमान डजंट इंप्लाइज मुसलमान यू हैव वेरी इंटरेस्टिंग पीपल बट ऑब्वियसली यू नो इन्फ्लुएंस एक था इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक अल्टीमेटली कैटेगराइज कैसे किया जाता है कौन कितना एफिशिएंटली इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है तो जितना जितनी ज्यादा इक्वेशन जितनी मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करे उतना बड़ा मार्क So this advent of this abstract mathematics basically comes through motivation of equations. So equations were representing some of physical things. Okay. Physical things were represented, but they are beautiful in itself actually. And jitni zyada solve kar sakta tha, jitni mushkil solve kar sakta tha, jitni complicated solve kar sakta tha, wo utna bada mathematician tha. But they are kind of original thinkers. हम जो सीख रहे हैं ना हमें आप दे रहे हैं तो हमें तो मैंने 200 मेथड्स आते हैं और भी तो सॉल्व कर देंगे इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है ये नहीं तो ये लगा लो और सॉल्व करो They were not like that actually. They didn't have any method. They had to create methods actually. So when you want to create something, it's not an easy task. It's a difficult task. It's a very difficult task when you want to create things out of nowhere. In that sense, bhale, quadratic equation, cubic equation, solve karke, celebrate karke. It was a huge achievement. It's not a small achievement actually. Anyway, so equations are sitting at the center of evolution of mathematics. Mathematics has evolved because people were interested in solving equations. Now, here's a question for you, a very simple question for you. Okay? I would like to solve a very simple equation. Question. What should I do? That's a typical answer that you get. Divide 2 by 1. What if I say the work under? देखे आपने अभी तक जो properties of numbers पढ़ी हैं, उसमें आपने को rule पढ़ा है divide by 2 on both sides. But if I say that solve it. By using only properties that you have learned about numbers. Do it. What are you going to do? Think about it. Take a minute and solve this equation using only properties of numbers that you have learned. So, use the properties of nothing. Systematically. This 2x equals to 3. नंबर्स की ना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने नंबर की पढ़ी क्लोजर एसोसिएटिव यू नो दिस एंड दैट कैंसिलेशन लॉज ये यू नो फलाना फलाना ठीक है कोई मर्जी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें इसे सॉल्व करें यूज योर एवरी स्टेप शुड बी बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी इट शुडंट बी समथिंग व्हिच इज डिवाइड बाय Even when you divide by 2, underlying आप 4 steps कर रहे होते हैं, but you don't write that. What are those steps? Right.
करें, ज्यादा से ज्यादा क्या गलत होगा और क्या होगा? हाँ ठीक है, ओके, यू नो यू कैन बी प्रिसाइज आई थिंक. Completely different things. ये तीन चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं इस नेचर एक्चुअली.
ठीक है, बट दे आर फॉलोइंग सेम एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ लॉज A can be anything. So A could be 2, ठीक है? And if you are talking about matrices, then A is going to be the matrix A, ठीक है? And if you are talking about say X, so X could be a real number, could be this, or X could be a matrix A. So this star would be multiplication, addition, and again you ask the same question, what should I do? यानी क्या properties इस star में होनी चाहिए, इस operation में होनी चाहिए, in order to solve this equation? Inverse. You need square, you need associativity, you need identity, you need closure. You need four. These four properties are very crucial. और ताकत क्या है? You know इस expression में. इस एक्सप्रेशन की ताकत क्या? Why this is more powerful than all of these three? Too powerful. General So when you are doing this, you are doing all this. So whatever is true here is true everywhere. That's what is powerful. ठीक है? That's what is powerful. Doesn't make sense. ठीक है? So then you said that okay, you know, you have what do you say? So these four properties are important. Or you know, yehi char wo properties ki jo ke, for example, you know, people realized in the past. Kya naam tha uska? Netherlands ka. Manda. क्या नाम था उसका? कलवा वो जो डुअल में मरा था ये बस पिटी जान रहा है. तो ट्रबल ये था कि वी हैव फॉर्मूलाज फॉर यू नो अप टू फोर्थ डिग्री इक्वेशन, ठीक है, वी डोंट हैव फॉर्मूलाज आफ्टर फिफ्थ डिग्री इक्वेशन. तो इन जनरल आप मैथड ऑफ रेडिकल्स से सॉल्व नहीं कर सकते, यानी फैक्टराइजेशन करके आप नहीं कर सकते सॉल्व. बाज कर सकते हैं, बाज नहीं कर सकते. इट्स नॉट ट्रू इन जनरल. फोर्थ तक आपके पास जो मर्जी इक्वेशन होगी सॉल्व कर सकते हैं. सो ही वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन, सम ऑफ दीस गाइस वर इंटरेस्टेड इन दैट व्हाई दिस हैपेंड, व्हाट्स सो रॉन्ग अबाउट फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड हायर ऑर्डर थिंग्स. क्यों हम उनको सॉल्व नहीं? And they want to study basically that. Okay, what are the kind of key reasons basically that we are not able to solve it? And they come up with certain conclusions that okay, it's because that these four properties are very important, ठीक है? And they formulated that we ठीक है, you have a set with you know an operation which has all these four properties because these are important for solving equations, ठीक है? और उसका नाम जो है यू कॉल इट अ ग्रुप बेसिकली से फॉर एग्जांपल फॉर्मली, ठीक है. एंड देन यू नो व्हाट एसेंशियली दे केम अप टू इज समथिंग दैट अगर आपके पास एक फिफ्थ ऑर्डर इक्वेशन है, सिक्स्थ ऑर्डर इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, यू वांट टू सॉल्व इट, तो आप उसके करस्पोंडिंग एक खास किस्म का ग्रुप कंप्लीट कीजिए, फिर सॉल्वेबल ग्रुप कहते हैं, ठीक है. So if that group is, so her equation is kind of a video kind of a group act. So if the group is solvable, the equation is solvable by Maxwell's. If the group is not solvable, the equation is not solvable. So people
केवल विद सच कंक्लूजन. सो इन अदर वर्ड्स ये जो नोशन ऑफ ग्रुप है ठीक है इट इज अ रिजल्ट इट्स अ कॉन्सिक्वेंस. ये रिजल्ट है यू नो इक्वेशंस के बारे में या इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में जान रहे हैं. दे रियलाइज एक्चुअली दैट दिस ऑपरेशन प्लेज अ सेंट्रल रोल. ये क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इन ऑर्डर टू नो दैट वेदर सच काइंड ऑफ इक्वेशंस आर द सॉल्यूशन ऑफ पावर ठीक है. सो एसेंशियली व्हाट पीपल रियलाइज दैट ओके अगर आप इस किस्म की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं यू नीड अ स्ट्रक्चर ठीक है. उस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है यू नीड ऑपरेशन जिसमें कम से कम चार प्रॉपर्टीज ये होनी चाहिए. ऑपरेशन ऑब्वियसली जब ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन इज गोइंग टू बी ऑन अ सेट ठीक है. ऑपरेशन इज गोइंग टू बी ऑन अ सेट ठीक है. व्हेन यू से कि आपके पास एक ऑपरेशन है स्टार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नंबर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एनी ऑपरेशन बट इफ द ऑपरेशन हैज दीज फोर प्रॉपर्टीज देन यू नो दैट ऑपरेशन इज गुड फॉर सॉल्विंग इक्वेशन ठीक है. You can deal with the kind of equations that you want to do. So that's what the key motivation. You know, that's how, for example, your introduction to groups should begin or could begin actually. ठीक है इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं. बताएंगे कि ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं ऐसा नहीं है कि किसी का दिल किया एक दिन के यार अच्छा ठीक है ये सेट ले लेते हैं और ये ऑपरेशन ले लेते हैं और फिर अगर इस ऑपरेशन में ये चार प्रॉपर्टीज होंगी तो हम इसको ग्रुप कह लेंगे. चीजें जो है वो बगैर वजह के नहीं होती बेखुदी बेसबक नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी ठीक है. तो ये पर्दा उठाने की जो है जो हम कोशिश करेंगे समझ आएंगे ठीक है. सो वंस यू नो मेक देम रियलाइज दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशन rather than thinking about particular cases let's think abstractly. abstract se kya murad hai general mujhe nahi pata a aur b kya cheez hai mujhe nahi pata x kya cheez hai mujhe ye pata hai ki wo ek set ke element hai. ab wo sets bazate khud bhi ho sakte hain for example wo numbers ho sakte hain they can be matrices they can be vectors and so on and so forth and then agar आपके पास एक सेट है ठीक है और उस पर एक ऑपरेशन है और उस ऑपरेशन में वही चार खासियतें हैं जो कि इस किस्म की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए. तो फिर आप ये कहेंगे कि अच्छा ये जो सेट और ये जो यू नो स्टार है दैट्स यू नो यू कॉल इट अ ग्रुप एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग. यानी ये एक ऐसी जगह है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ इस किस्म की इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है ठीक. इंटरेस्टिंगली चीजें स्टार्ट जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से होती है बट यू नो आगे फिर वो इवॉल्व हो जाती है और इतनी इवॉल्व हो जाती हैं कि शायद यू नो गलवा को खुद भी नहीं पता होगा जो मैं कर रहा हूँ ये कितना डीप है उसके हदायत क्या लेते हैं ठीक है. लोग जो है वो यू नो अपनी लाखों की दौलत जो है वो एक छोटे से कार में अपने पॉकेट में लेके मुझे नहीं पता होगा कि यू नो यही ग्रुप थ्योरी जो है इस काइंड ऑफ अनकवरिंग यू नो इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ ना यू नो फिजिक्स द मॉडर्न फिजिक्स स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स काइंड ऑफ यू नो इज अ वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्रुप थ्योरी. अब्दुल सलाम को जो नोबेल प्राइज मिला था ना ठीक है ही बेसिकली काइंड ऑफ यूज सर्टेन ग्रुप्स टू unify what do you say all four forces na khwab dekha hai sari forces jo different hame nazar aati hain apparently theek hai can we unify them aur usko unify karne ke liye for example you know the tool that he used for presenting that unifying theory was group it was a very simple group you know, special linear group as of the Fermat paper unification and then you know people came up with lots of you know
दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज जो कि रियलाइज की लोगों ने ग्रुप के बारे में कि इट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिमेट्री, यानी क्यों फिजिक्स जो है या डिफरेंट एरियाज जो है दे आर अ बिग कंज्यूमर ऑफ ग्रुप थ्योरी बिकॉज़ इट डील्स विद सिमेट्री, ठीक है, कैप्चर्स सिमेट्री, सिमेट्री कहाँ है, सिमेट्री कहाँ नहीं है ये बताइए, ठीक है, वी आर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, वी हैव सिमेट्री इधर जैसे हम लेफ्ट पर वैसे राइट पर, जस्ट हम मेरा नहीं लेंगे सिमेट्री को अंडरस्टैंड करने का सेंट्रल रूल. इट स्टार्ट्स विद सॉल्विंग फॉर इक्वेशंस पर फिर बाद में इसके डांडे जो है बहुत सारी जगहों पर आना शुरू होता है, ठीक है. सो वंस यू रियलाइज आपके पास इक्वेशंस होती हैं, बच्चों को समझाएं इक्वेशंस होती हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको ऑपरेशन में चार किस्म की प्रॉपर्टीज चाहिए और वो चार किस्म की प्रॉपर्टीज अगर किसी ऑपरेशन में होंगी, चाहे वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो, नंबर मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे वो ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है. ऑब्वियसली यू गोइंग टू डू द ऑपरेशन ऑन थिंग्स एंड दोस थिंग्स यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम अ सेट एक्चुअली, ठीक है, एंड दैट सेट इज व्हाट फिर आप कहेंगे इस सेट पर हमने जो है ऑपरेशन डिफाइन करके इस सेट को एक स्ट्रक्चर दे दिया और एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया जिसमें अब इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, कैन हैंस यू हैव मोर देन मोशन ऑफ ग्रुप, ठीक है. सो यू नो ग्रुप इज अ स्ट्रक्चर दैट यू गिव, जब तक स्टार नहीं था जिस यू नो सेट के ऊपर तो ये सेट था, इट वॉज जस्ट रैंडम कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, जब आपने उस पर स्ट्रक्चर दिया है तो फिर आपने उस सेट को एक ऐसी चीज में टर्न कर दिया है कि जहां पर आप ऑपरेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दैट वाज अ कंबिनेशन एंड देन यू कैन इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल बहुत से इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक तो ये सिमेट्रीज आप इनसे कैलकुलेट करें, ठीक है, और फिर इन सिमेट्रीज मैप्स सिमेट्रीज मुराद है मैप्स या फंक्शंस बाइजेक्शंस इनसे कंप्यूट करें, ठीक है, तो इन बाइजेक्शंस को हम पर्टिकुलर तरह से लिखते हैं, यू राइट देम लाइक दिस, लाइक वन टू थ्री एंड देन वन टू थ्री लाइक अ मैप, रादर देन आपको दो पिक्चर्स बनाए यू कैन पुट देम इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, इसका मतलब ये है कि इट्स अ मैप, इट्स अ मैप. और कितनी बाइजेक्शन हो सकती है, ठीक है, वन टू थ्री एंड वन थ्री टू एक्चुअली. नाउ इसका और इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस वन टू थ्री इसका स्टेट ऑफ दी है, सो आई हैव वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री लाइक दैट. इसका क्या मतलब है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा ये आप ट्राइंगल लीजिए और इसके साथ कुछ ऐसा कीजिए, क्या करूंगा मैं, जहाँ वन है वो वन ही रहे, जहाँ टू है वो थ्री हो जाए और जहाँ थ्री है वो टू हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसको फ्लिप करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा, फ्लिप कर दें, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ, ठीक है, तो वन वन रहेगा और टू थ्री हो जाएगा और थ्री टू हो जाएगा, ऐसे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लिप, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट यू से फ्लिप, एंड सिमिलरली यू कैन टेक 5 to 6 transformations okay basically physical operation for example the collection le le that collection becomes what a group under the operation of composition of functions acha ek cheez jo ke se number comment actually is operation operation se kya hai usually aap kehte hain ki binary operation kya hai so binary operation is a kind of a map, ठीक है, जो कि act कर दी है किस पर, देखें ना आप plus करना चाहते हैं चीजों को, plus करना चाहते हैं, आप plus करना चाहते हैं तो आप सवाल ये है कि आप किन को plus करना चाहते हैं और वो कितनी चीजें हैं जिनको plus करना चाहते हैं, वो दो चीजें हैं, ठीक है, so it's like अगर मैं plus को as a function treat करूं तो प्लस एक ऐसी चीज है जो इनपुट लेगी दो नंबर्स
और एज एन आउटपुट क्या दे देगी, उनका सब एवरी ऑपरेशन इज लाइक अ मैप एक्चुअली, जिसका इनपुट जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और आउटपुट इज गोइंग टू बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन, ठीक है। अब ये